गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शरणजीत कौर आज आपको कंप्यूटर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट। आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। आज हम छोटे से मोबाइल से लेकर के बड़े से कंप्यूटर तक में इंटरनेट का यूज करते हैं। तो पहले जानते हैं कि एक्चुअली इंटरनेट होता क्या है, ये बनता कैसे है। तो इंटरनेट है जो छोटे छोटे नेटवर्क प्रोटोकॉल से मिलकर के बनता है। हम सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है, जिसके जरिए हम करोड़ों कंप्यूटर्स मोबाइल को एक दूसरे से क्या करते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं या जोड़ के रखते हैं, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाता है। अब इंटरनेट पे हम एक चीज और पढ़ेंगे, मेल। मेल में अपनी आईडीज बनाना और उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको संचालित करना है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम ये जानेंगे और हमको ये पता भी है कि वेब ब्राउजर को स्टार्ट करने पर सबसे पहले ओपन होने वाला पेज होम पेज कहलाता है। तो इसके लिए ये वाला जो पेज है, जो फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। ये URL है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं और ये गूगल सर्चिंग है। तो जैसे कि हमने जीमेल बनाना है, मेल आईडी पे हम जीमेल पे आपको मेल आईडी बनाना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले gmail.com लिखेंगे या जीमेल लॉगिन लिख सकते हैं, जीमेल क्रिएट अ न्यू अकाउंट लिख सकते हैं। तो हम नॉर्मली जीमेल कहते हैं, लॉगिन लिखते हैं। आप यहाँ देखेंगे जीमेल लिखने पर आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। तो जीमेल क्रिएट है, हम क्रिएट पे जाएंगे क्योंकि हमको न्यू आईडी बनानी है। अब ये देखेंगे यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, इसे हम क्लिक करेंगे। हमें क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना होगा वो उसके बारे में हमको इसमें नॉलेज मिलेगी, हमको इसके बारे में पता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, हम इसे क्लिक कर लेंगे। फिर एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें क्या क्या लिखा है आप देखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हमारी यूजर आईडी, पासवर्ड और एक बार और पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे हमने नाम डाला एक, और यहाँ पे हम मेल आईडी के लिए कहते हैं, क्लिक करेंगे तो हमें संगेस्टेड में कुछ आईडीज के नेम दिखाए जाएंगे जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जैसे ये वाली आईडी का नाम यूज़ कर लेते हैं। अब हमें एक पासवर्ड रखना है, पासवर्ड्स लिखा हुआ यूज़ 8 or more करेक्टर्स विथ मिक्स अदर लेटर्स नंबर्स एंड सिम्बॉल्स। हमको कंपलसरी 8 digit का कहते हैं अपना कोई भी पासवर्ड रखना पड़ेगा। शो पासवर्ड करके आप पासवर्ड को शो करके देख सकते हैं, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि हमारा पासवर्ड जो हमने डाला है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद साइन कहते हैं, साइन इन के लिए हमें नेक्स्ट के लिए पूछ रहा है, हम यहाँ नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपको फोन नंबर डालने के लिए बोलेगा, जिसमें आपको अपना फोन नंबर डालना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे, मंथ, डेट, ईयर, अपना जेंडर कहते हैं जेंडर, फीमेल, मेल, जो भी होगा आपका, आप उसे सर्च कर कहते हैं टाइप कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद आपका आईडी अकाउंट जो है, आपकी मेल आईडी वो क्रिएट हो जाएगी और आपको आईडी पासवर्ड आपको मेल भी कर दिया जाएगा विद आपके जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पर भी आप। तो जैसे कि आपने आज ये मेल आईडी क्रिएट करना सीखा,
अब सभी अपने अपने घर पे कंप्यूटर जिनके पास होगा अपने कंप्यूटर पे, जिनके पास कंप्यूटर नहीं होगा वो अपने मोबाइल पे अपनी अपनी एक एक मेल आईडी क्रिएट करेंगे। और इसके चैप्टर के इस चैप्टर से जितने रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आंसर्स है वो हम पीडीएफ के जरिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।